है थर्मोडाइनमिक्स ऑफ मिसलाइजेशन। थर्मोडाइनमिक्स ऑफ मिसलाइजेशन में हम क्या कर रहे हैं, जब भी बच्चा थर्मोडाइनमिक्स की बात आएगी, ठीक है, आपको जो एक टर्म है जी यानी गिब्स एनर्जी, ये आपको हमेशा देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इतने पेज को मैं जरा उधर लिख कर जा रही हूँ ताकि आपके लिए थोड़ी सी विजिबिलिटी क्लियर हो और हम एक एक पार्ट कर सकें इसका। देखो अब इधर आ जाते हैं, ये क्या कहता है कि भाई जब डेल्टा जी की बात करते हैं, ठीक है, डेल्टा जी हमारे पास किसके बराबर होता है, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू आर टी एल एन के बराबर होता है। ठीक है, अब ये डेल्टा जी होता है, जब हम इसकी बात करते हैं आर टी एल एन के बराबर, तो हम क्या करते हैं बच्चों, हम इसको पहले तो लोगारिथम सॉल्व करते हैं, लोगारिथम की वैल्यू क्या आएगी 2.303, फिर आ जाता है आर टी। अब हमेशा एक बात ध्यान रखना है, जब लोगारिथम को आपने एल एन में शो कर दिया, ठीक है, उसके बाद जब आप इसको करोगे तो ये आपका क्या रह जाएगा, लॉग, और कहीं कहीं आपको ये लॉग बेस 10 के फॉर्म में भी मिलेगा। अब के जो है, के की वैल्यू क्या है, के की वैल्यू अगर हम रिएक्शन की बात करते हैं तो के की वैल्यू क्या हो जाती है, ए जो कि आपका प्रोडक्ट बी बना रहा है, या ए प्लस बी जो आपका प्रोडक्ट बी बना जो पी बना रहा है, तो के की वैल्यू क्या हो जाती है कि भाई आपका प्रोडक्ट पी और अपॉन रिएक्टेंट्स। ठीक है, पर यहाँ पे हमारे पास कोई प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की तो हम बात कर ही नहीं रहे, यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ हम बात कर रहे हैं आपके सी एम सी की। जब सी एम सी की बात कर रहे हैं तो बात हो रही है किसकी, कंसंट्रेशन की। ठीक है, और जब कंसंट्रेशन की बात होती है तो बच्चों एक टर्म आपको हमेशा देखने को मिलेगा, या तो वो होगा मोल फ्रैक्शन, ठीक है, एक्स, जिसको कि हम कैसे जानते हैं, जिस मोल फ्रैक्शन को आप कैसे जानते हो, एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल्स ऑफ, ठीक है, सॉल्यूशन, यही करते हो। अब जब यहाँ पे बात किस किस की हो रही है, सी एम सी की, ठीक है, सी एम सी को किस फॉर्म में करेंगे, कंसंट्रेशन में, कंसंट्रेशन को किस फॉर्म में ले लें हम, मोल फ्रैक्शन में, और अगर मोल फ्रैक्शन में नहीं होगा तो एक टर्म आपके पास होगा एक्टिविटी का टर्म, एक्टिविटी यानी कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स इसमें एक्टिवेटेड हैं। ठीक है, और जब एक्टिविटी का टर्म आएगा तो वो आपको क्या करेगा, वो आपका ये जो पूरी ये जो पूरा कंपाउंड है, इस एक्टिविटी को वो करेगा मोल फ्रैक्शन इंटू गामा, गामा हो जाएगा आपका एक्टिविटी को एफिशिएंट। ठीक है, टर्म समझ में आ रहे हैं जो जो बता रही हो, हाँ या ना बोलो फटाफट से, क्योंकि अब ये सारे टर्म्स बार बार आएंगे। ठीक है, तो अब हम सीधा उस पर चलेंगे। अब जब हम इसकी, अब हमारे पास सारे टर्म्स हैं, ठीक है, तो अब ये क्या कहता है कि भाई ये जो आर टी एल एन के है, तो के तो हम ले ही नहीं रहे, हम क्या ले रहे हैं, हम ले रहे हैं एक्स, एक्स यानी आपका मोल फ्रैक्शन। ठीक है, फिर ये कहता है कि भाई ये जो मोल फ्रैक्शन है किसके लिए ले रहे हैं, मोल फ्रैक्शन हम लेंगे सी एम सी का, जब सी एम सी की कंसंट्रेशन 10^-2 मोलारिटी से कम हो तो हम क्या करेंगे, हम एक अप्रोक्सीमेशन लेंगे। अप्रोक्सीमेशन कैसे लेंगे, भाई एल एन जो था उसकी जगह मैंने क्या ले लिया 2.303, आर यहाँ भी है ये भी ले लिया, टी यहाँ भी है ये भी ले लिया, एल एन को मैंने कर दिया लॉग बेस 10 पे। अब बच्चों ये जो मोल फ्रैक्शन आएगा, ये मोल फ्रैक्शन आपका क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट यानी आपने कितना सी एम सी, आपने कितना मिसल्स उसमें डाले, सर्फेक्टेंट की क्या क्वांटिटी ली, उसके मोल्स डिवाइडेड बाय द मोल्स ऑफ द टोटल सॉल्यूशन। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा कि जब आप मोल्स ऑफ वाटर रिप्रेजेंट कर रहे हो एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, ठीक है, सी एम सी आप रिप्रेजेंट कर रहे हो सी एम सी के ही फॉर्म से, तो ये क्या आ जाता है, इसने आपको आयनिक सर्फेक्टेंट अब ए बी के एग्जाम्पल से दे रहा है। अब ए बी के एग्जाम्पल से क्यों दे रहा है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम इसमें दो हिस्से कर रहे हैं हमारे, ठीक है, मिसल्स को अपने दो हिस्से कर रहे, एक हिस्सा हो गया आपका आयनिक और एक हिस्सा हो गया आपका नॉन आयनिक।
तो ये क्या कहता है कि भाई इसमें आपके ये जो आयनिक हिस्सा है, इस आयनिक हिस्से में आपके पास क्या होगा, एक तो ये खुद का हिस्सा खुद ही होगा जैसे आपका सोडियम वाला था, और एक इसके बाहर क्या हो जाएंगे, जब आप वाटर में इसको डालोगे तो वाटर में से कौन सा काउंटर आयन इसके पास आएगा। ठीक है, तो अब इसने ये जो मोल फ्रैक्शन है, ये मोल फ्रैक्शन को इसने किस फॉर्म में ले लिया, इसने ले लिया मोल फ्रैक्शन इनटू एक्टिविटी, क्योंकि अब पूरा का पूरा सीएमसी थोड़ी एक्टिवेट हुआ, ऐसा तो कहीं नहीं है। हो सकता है उसका कोई हिस्सा ज़्यादा एक्टिव हो सकता है उसका कोई हिस्सा कम एक्टिव हो सकता है उसका एलिफेटिक चेन ज़्यादा काम कर रही हो सकता है उसका आपका ये जो नॉन एलिफेटिक है आयनिक पार्ट है वो ज़्यादा काम कर रहा हो। तो ये क्या कहता है कि भाई अब ये जो मोल फ्रैक्शन है, मैं तो इस मोल फ्रैक्शन को कैसे लिखूँ, मैं तो ये कहता हूँ कि ये जो मेरे पास मोल फ्रैक्शन है 2.303, ठीक है, आर टी लॉग। अब ये क्या करेगा, एक्टिविटी के टर्म ले लेगा, एक्टिविटी यानी अंडरस्टूड है कि ये मोल फ्रैक्शन इनटू गामा से मल्टीप्लाई हो जाए। तो एक्स क्या है, हो गया मोल फ्रैक्शन। जब दो लॉग की वैल्यू करते हो तो आप क्या करते हो, प्लस कर देते हो, तो आप जब इसको खोलोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा 2.303, ठीक है, आर टी, ये हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ वाई। यहाँ तक आया, ठीक है। पर अभी क्या कह रहा है कि भाई एक तरफ तो इसने हिस्सा ले लिया ये वाला लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ वाई, या गामा बोल लो इसको, वाई क्या गामा को बोल लो, कौन से वाले के लिए, क्वेश्चन ए के लिए, ठीक है। अब बी वाले पे आ जाएगा, बी वाले के लिए क्या कहता है कि भाई यहाँ से यहाँ तक, बी वाले के लिए क्या कहना है, इसने पूरा एक कांस्टेंट ले लिया। कांस्टेंट क्यों ले लिया, क्योंकि 2.303 कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जब हम बात कर रहे हैं वो यहाँ पे हमने बाहर इसको पूरा मल्टीप्लिकेशन का एक टोटल वैल्यू निकाल ली, ठीक है। अब अंदर क्या कर रहा है, अंदर बच्चों ये क्या करेगा, ये कह रहा है कि भाई अंदर का जो है ये आपका कांस्टेंट के, ठीक है, कांस्टेंट के किसके लिए आ रहा है, ये आएगा आपका सी बी, यानी जो आपका बचा हुआ हिस्सा है बी। क्यों ले रहा है बचे हुए हिस्से को इस तरीके से, ऐसे भी तो ले सकता था। तो ये कहता है कि भाई ए बी जो है, ए बी आपका टूटता है किस में, ए प्लस बी में, ठीक है। अब ये जो के है, के हो जाता है आपका ए इंटू बी, ठीक है, और ए बी तो क्या होगा, सल्यूट होगा, ए बी क्या रहेगा बच्चों, सल्यूट रहेगा। तो सल्यूट की तो वैल्यू 1 हो जाती है। तो ये क्या कहता है कि भाई अब ये जो के है इसको मैं तो क्या लिखूँ, अब मैं इस बी को यहाँ छोड़ देता हूँ, ठीक है, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, के अपॉन ए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यहाँ बताने की क्या कोशिश कर रहा है वो, कि भाई अगर आप इसको इस तरीके से ले रहे हो तो ए बी, क्योंकि आपका पूरा हिस्सा आयनिक नहीं था, ठीक है, तो पूरा हिस्सा आयनिक नहीं होने के कारण आप जो बचा हुआ हिस्सा है उसको किस फॉर्म में लोगे बच्चों, उसको लोगे आप इसका कांस्टेंट जो कि बी के रिस्पेक्ट में हम निकाल रहे हैं, ठीक है, इनटू लॉग आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से वही है कंसंट्रेशन ऑफ बी, क्योंकि ये सीएमसी नहीं है, ठीक है, एक हिस्सा सीएमसी था, दूसरा हिस्सा सीएमसी नहीं है, दूसरा इसका काउंटर आयन है, ठीक है। और वो कहाँ से लेकर आ रहे हो, एक मिनट, वो कहाँ से लेकर आ रहे हो, क्योंकि फ़र्क सिर्फ इतना है, फ़र्क किसको ले रहा है, ये एक हिस्सा ले रहा है सीएमसी का, दूसरा हिस्सा ले रहा है किसका, जो उसका काउंटर आयन है। तो काउंटर आयन जो भी बी है, तो काउंटर आयन क्या होगा, जो आपने कांस्टेंट कंसंट्रेशन ले लिए, ठीक है, तो बी वाला जो काउंटर आयन है उसकी कंसंट्रेशन सी बी है विथ रिस्पेक्ट टू टोटल मोल्स ऑफ द सोल्यूशन, ठीक है। और इसको क्योंकि ये एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में ही ले रहा है, एक पर्टिकुलर उसमें जो जब भी ये बनेगा ना मिसल्स, इसको ऐसे समझो, इसको नेक्स्ट पेज पे लेती हूँ, इसको ऐसे समझो कि भाई आपका ये मिसल था, ठीक है, अब इसने क्या किया, इसने अपना एक पूरा यहाँ पे अपना ग्रुप बना लिया। अब इसके बाहर क्या होगा, इसके बाहर जो नंबर ऑफ आयन्स रहेंगे वो क्या रहेंगे, वो कांस्टेंट नंबर ही तो आयन्स आएंगे, जिसे हम काउंटर आयन के नाम से जानते हैं। काउंटर आयन क्या है, एक आयन तो इसके पास है ही, खुद का आयन है इसके पास, दूसरा जो इसके अपोजिटली चार्ज अट्रैक्ट होकर आएगा वो क्या हो जाएगा,
वो इसका काउंटर आयन कहलाएगा। तो ये जो काउंटर आयन है इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, सी बी, ठीक है। इसका मोल फ्रैक्शन कितना है विद रिस्पेक्ट टू टोटल मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। पर इसका क्योंकि आपने एक ये एक्स्ट्रा फील्ड आ रही है, एक बाहर का लेयर है जिसके अमाउंट कांस्टेंट है, तो यहाँ पे हमने इसको क्या कर दिया, इसके कांस्टेंट के बी से मल्टीप्लाई कर दिया। अदरवाइज हमने सी एन सी में ऐसा कुछ नहीं किया था, यहाँ पे सीधा लॉग ले लिया था और यहाँ पे हम लॉग इस वैल्यू का ले रहे हैं, यानी आपका जो मोल फ्रैक्शन है वो इसके बराबर है, ठीक है। प्लस दूसरा हिस्सा क्या हो जाएगा काउंटर आयन का, उसका गामा बी, यानी उसकी कितनी एक्टिविटी कोएफिशिएंट है। ये वाला हिस्सा समझ आया बच्चों, इसे बता रही हूँ मैं। हम जब किसी भी कंडीशन में काम करते हैं, अगर हम काइनेटिक्स में काम करेंगे के हो जाएगा के सी, अगर प्रेशर पे काम करेंगे के पी, अगर हम सिर्फ आयन्स की बात कर रहे हैं तो हमारे पास आ जाएगा एक्टिविटी कोएफिशिएंट ए। अब ये जो एक्टिविटी कोएफिशिएंट ए होता है, ये एक्टिविटी कोएफिशिएंट आपके मोल फ्रैक्शन इनटू गामा यानी एक्टिविटी कोएफिशिएंट के बराबर होता है, प्रोडक्ट होता है दोनों का, ठीक है। ये हो गया एक्टिविटी कोएफिशिएंट, ठीक है, और ये हो गया आपका मोल फ्रैक्शन। जब आपको दोनों चीज़ें मिल जाए, ठीक है, तो आप क्या करोगे, सपोज आपको ये कहता है कि भाई डेल्टा जी इज इक्वल्स टू आर टी एल एन ए, तो आप इसको कैसे खोलोगे, आपने इसको ओपन किया, ठीक है। अभी मैं एल एन साथ के साथ ही लिख रही हूँ, मैंने इसको गामा इंटू एक्स कर दिया। अब जब मैं इसको गामा इंटू एक्स करूँगी तो मैं इसको जब दोबारा खोलूँगी तो मैं क्या करूँगी, मैं इसको आर टी एल एन एक्स प्लस एल एन गामा ऐसे करूँगी, ठीक है, दोनों से मल्टीप्लाई हो गया। अब एल एन की वैल्यू जो होती है वो होती है 2.303, ठीक है। तो दोनों में क्योंकि एल एन है तो दोनों में ही ये टर्म आएगा, मैंने ले लिया बाहर एक बराबर, अंदर अब हो जाएगा आपका लॉग ऑफ एक्स यानी मोल फ्रैक्शन प्लस लॉग ऑफ गामा यानी एक्टिविटी कोएफिशिएंट। अब मोल फ्रैक्शन क्या है, जब हम बात करेंगे सी एन सी के केस में, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सी एन सी, ठीक है, यानी उसका कितना मोल्स है, ठीक है, यानी सी एन सी की कितनी कंसंट्रेशन है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन ऑफ दी टोटल सॉल्यूशन, कितना बना लिया आपने, ठीक है। ऐसे ही अभी कहता है कि भाई जब हम इसकी बात करते हैं, जब हम किसी एक सर्फेक्टेंट ए बी की बात कर रहे हैं तो इसमें से एक हिस्सा तो क्या होगा आपका आयनिक वाला होगा, ठीक है, और एक हिस्सा आपका क्या हो जाएगा काउंटर आयन होगा, ठीक है। अब जब दोनों हिस्से आपके एक बराबर नहीं है तो दोनों के लिए जो मोल फ्रैक्शन है उसको आप लिखोगे कैसे, आयनिक वाला हिस्सा जिसके के पीछे एलिफेटिक टेल लगी हुई है वो तो काम करेगा सी एम सी पे, बी वाला जो हिस्सा है वो हो जाएगा आपका आयनिक यानी आपका काउंटर पार्ट जो कि सॉल्यूशन में से आके उसके साथ में जुड़ेगा। अब इसी की बात कर रहे हैं, तो जब ये कहता है कि भाई हमारे पास आर टी एल एन के बराबर है तो मैंने क्या किया, आर टी मैं यहाँ लिख देती हूँ 2.303, अब लॉग भी ले लिया, तो पहला लॉग किसका आएगा, इसके मोल फ्रैक्शन और एक्टिविटी के बराबर। तो ये तो क्योंकि सी एम सी है तो ये क्या कर रहा है, सी सी एम सी अपन कंसेंट्रेशन, ठीक है, प्लस क्या कहलेगा लॉग ऑफ गामा ए। दूसरा जो हिस्सा है, दूसरे वाले हिस्से में क्या करता है, ये ले रहा है के बी, ठीक है, इंटू लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन सी प्लस लॉग ऑफ गामा बी। क्यों ले रहा है ये ऐसा, इस वाले हिस्से को मैं एक्सप्लेन कर रही थी कि भाई आपका जो काउंटर आयन है वो काउंटर आयन क्या कर रहा है, उसकी कंसंट्रेशन फिक्स है, यानी आपका पहला जो स्फेयर है जो कि मिसल्स ने बना लिया उसके बाहर जो दूसरा स्फेयर है वो आपका काउंटर आयन कहलाता है, यानी वो आपके सरफेस के वो आपके सॉल्यूशन के अंदर से आएगा। तो जब ये सॉल्यूशन के अंदर से आ रहा है और क्योंकि ये इसका हिस्सा नहीं है तो इसने क्या किया, इसकी वैल्यू एक कांस्टेंट के बराबर मान ली कि भाई ये तो लिमिटेड ही आ रहा है। आई बच्चों समझ में, अब इसी चीज़ को ये यहाँ पे शो कर रहा है।
ठीक है, ये इसी चीज़ को यहाँ शो करता है। ये कहता है कि भाई अगर आपके पास ए बी आयनिक सर्फेक्टेंट है तो आपके पास वैल्यू ये वाली आएगी, यानी दोनों तरफ सी एन सी नहीं आएगा, ए बी पूरा सी एन सी नहीं है, ए हिस्सा सी एन सी है, बी हिस्सा इसका काउंटर आयन। आई बच्चों ये बात समझ में? अब ये क्या कहता है कि भाई जब आप इसको पढ़ी रहे तो वो ये कहता है कि डिपेंडिंग ऑन द कंसेंट्रेशन द एक्टिविटी कोएफिशिएंट्स मे बी निगलेक्टेड, ठीक है, thereby obtaining the following form of equation। तो ये कहता है कि भाई तुम इतना कंफ्यूज मत हो, ये क्योंकि कंसेंट्रेशन बहुत कम है तो एक्टिविटी कोएफिशिएंट जो आएगा वो भी बहुत बहुत कम है, तो ऐसा करो कि हम एक्टिविटी कोएफिशिएंट को हम निगलेक्ट कर देते हैं। तो क्या इक्वेशन रहेगी? सी एन सी अपॉन सी का लॉग और के बी लॉग सी बी अपॉन सी का लॉग, ठीक है। तो ये कहता है कि जो लॉग सी एन सी बाय सी है, ठीक है, अगर इसको यहाँ पे ले लेता है, कब लेगा, कब लेगा ये इसको, जब ये डेल्टा जी के साथ में इसको तो मल्टीप्लाई, इसको तो डिवाइड कर देगा। तो देखो डेल्टा जी ऑफ मिसेल्स, एम आई सी यानी मिसेल्स है ये, ठीक है। आपको नहीं लिखना है तो आप नॉर्मल भी लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। डेल्टा जी अपॉन यानी मिसेल्स डिवाइडेड बाय 2.303 आरटी, तो ये चला गया नीचे, ठीक है। अब जब ये नीचे चला गया, इस तरफ क्या रह गया आपके राइट हैंड साइड पे, सी एन सी अपॉन सी, ठीक है, क्या रह गया राइट हैंड साइड पे आपका लॉग सी एन सी अपॉन सी, ठीक है, और ये क्या रह गया के बी लॉग सी बी अपॉन सी। अब आपने क्या छोड़ दिया, आपने ये जो लॉग सी एन सी अपॉन सी है, ठीक है, ये आपका क्या हुआ, ये तो नीचे चला ही गया था, ये हिस्सा गया नीचे, ये दोनों प्लस में हैं, तो आपने क्या किया, आपने इसको भी इस तरफ ले लिया, ठीक है, इसको छोड़ दो लॉग सी एन सी अपॉन सी, तो ये भी आपके क्या चला जाएगा, अपोजिट साइड चला जाएगा, वैल्यू आ जाएगी माइनस का के बी लॉग सी बी अपॉन सी, यानी आपने किया क्या, डेल्टा जी, ठीक है, अपॉन 2.303 आर टी, ये तो आपने हिस्सा यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। सामने क्या रह गया था, ये रह गया मेरे पास, इसको सपोज ए ले लूँ, दूसरे को सपोज बी ले लूँ, अब इसे क्या निकालना है, ए निकालना है, तो ए क्या रह जाएगा, डेल्टा जी, ठीक है, अपॉन 2.303 आर टी, ठीक है, माइनस का बी, तो ये क्या आ गया आपका, माइनस का बी, ठीक है। अब इस इक्वेशन को ये क्या कहता है, इस इक्वेशन को थर्मोडायनेमिक रिलेशन से ये मैच करेगा, क्या कहता है, हमारे पास क्या होती है थर्मोडायनेमिक इक्वेशन, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये जो ऊपर लगा रखा है बच्चों, इसे कंफ्यूज मत होना, ये आपका कौन सा है, स्टैंडर्ड स्टेट वाली कंडीशन आती है। अब जब ये इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करेगा तो ये जो ए वाला हिस्सा है, ठीक है, देख लेते हैं क्या दिखाता है ये। अब आपकी इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन में जब ये आपको पहले ही दे रहा है डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस जी डेल्टा एस, इसको क्या करेगा, डिफरेंशिएट करेगा विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ठीक है। जब डिफरेंशिएट करेगा विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर और डेल्टा एच ले लेगा कॉन्स्टेंट, तो डेल्टा एच को कॉन्स्टेंट लेके क्या कर रहा है, डी डेल्टा जी, ठीक है, अपॉन डी जी, आपका यहाँ भी आएगा, ये भी ऐसे ही आएगा, इसमें एक ही मिस्टेक हो रही है, ये आएगा आपका डेल्टा जी, ठीक है, इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है। अब इसने क्या किया, इसने इसको कर दिया डेल डेल्टा जी, ठीक है, अपॉन डेल डेल्टा जी अपॉन एंड कर देते हैं डी टी, ठीक है, इज इक्वल्स टू डेल्टा एच, ये भी आएगा बच्चों, ये भी आपका डी टी से डिवाइड होगा, ठीक है, ऐसा कहीं नहीं है कि ये नहीं होगा, ये भी आपका डी टी से डिवाइड होगा, माइनस का डेल्टा एस, ठीक है, टी डेल्टा एस है तो इसको भी मैं डी टी से कर लूँ। अब टी डेल्टा एस और डेल्टा टी ये दोनों कट जाएंगे, क्या रह गया इक्वेशन में, मेरे पास इक्वेशन रहेगी डेल, ठीक है, डेल्टा जी अपॉन डी टी, ठीक है, इज इक्वल्स टू डेल्टा एच, ठीक है, ये डी टी,
इधर और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का डेल्टा एक्स। ठीक, अब क्या कर रहा है, अब ये आपको ये जो डेल्टा एस है, ठीक है, डेल्टा एस के लिए अब ये एक इक्वेशन और लेता है, ऑल्टरनेट रिलेशन ऑब्टेनिंग कीपिंग डेल्टा एस कॉन्स्टेंट ओवर अ टेम्परेचर रेंज। तो अब इस इक्वेशन में देख लेते हैं इसने क्या किया है, इसको मिटा दो जरा ऊपर वाले को। अब ये ले रहा है टी, इसके यहाँ पे कर दिया है तो ये अच्छा होगा डेल्टा जी अपॉन टी। अच्छा डेल्टा एस को भी ले रहा है बच्चों, ये डेल्टा एस आपकी किसके बराबर होती है, डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन टी के बराबर होती है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को भी रखते हैं, डेल्टा एच ये आ गया आपका डी टी, ये आ गया आपका डेल्टा एच अपॉन टी। जब इन दोनों इक्वेशन को ये करेगा, इसके नीचे ले रही हूँ यहाँ से मैं, तो इसने क्या लिया डेल्टा एच, ठीक है, यहाँ से इसने कॉमन ले लिया, ये आ गया आपके पास कॉमन ही ले गया ना, एक मिनट रुको बच्चों में। देखो अभी मैंने क्या कहा था कि भाई यहाँ पे भी आपके पास क्या आएगा, डी टी आएगा इसके नीचे, ठीक है, तो जब आप इसको डी टी से पूरे को कर रहे हो तो आपके पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, ये आपके पास यहाँ पे जब डेल्टा एच कांस्टेंट कर रहा है, ठीक है, तो डेल्टा एच कांस्टेंट करने पे इसके पास यानी ये वाला जो हिस्सा है, अगर ये हिस्सा ज़ीरो हो जाता है, डेल्टा एच कांस्टेंट कर दिया इसने यानी इसको छोड़ दिया इसने, ठीक है, तो आपके पास क्या बचेगा, डी डेल जी, ठीक है, अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू माइनस का डेल्टा एस, इतना बचा। ठीक है, अब ये क्या कहता है, दूसरे केस में डेल्टा एस को कांस्टेंट कर देता है, तो एक मिनट यहाँ भी देख लेते हैं, डेल्टा एस को कांस्टेंट करके दूसरे हिस्से में क्या कर रहा है ये, कि डी डेल्टा जी, ठीक है, अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू क्या रह जाएगा हमारे पास, डेल्टा एच रह जाएगा और यहाँ पे डी टी रह जाएगा, ठीक है, अगर ये इसको इस हिस्से को कांस्टेंट कर देता है। ठीक है, तो अब ये क्या कहता है कि भाई यहाँ पर जब इसने दोनों को एक एक बार कांस्टेंट कर दिया तो ये जो डी टी है, ये डी टी टर्म क्या हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई हो जाए, ठीक है, डी टी टर्म जब इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा और फिर आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपको जो इक्वेशन मिलेगी, आपको जो इक्वेशन मिलेगी वो आपको पहले तो ये मिलेगी डी टी, ठीक है, डेल डेल्टा जी और ये अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच। पर इस इक्वेशन में अगर आप देखो तो ये दोनों डेल्टा टी कट जाएंगे एक दूसरे से, कट ही जाने चाहिए, ठीक है, अपने हिसाब से तो यही होता है, जो कॉमन होता है वो कट जाता है। तो अभी क्या कहता है कि भाई अब इसको ये वापस से क्या करेगा, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज में फिर से इसको डिफरेंशिएट कर रहा है, कौन सी इक्वेशन को, इसी वाली इक्वेशन को। तो जब ये इसको डिफरेंशिएट कर रहा है तो उस डिफरेंशिएट करने पे यानी जो डी टी है इस इक्वेशन को ये क्या कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टी एक बार और डिफरेंशिएट कर रहा है, तो उसके बाद आपको ये वाला जो टी स्क्वायर वाला टर्म है ये वाला टर्म मिल जाएगा। आई बच्चों बात समझ में, यहाँ तक समझ में आया कि भाई एक बार इसने ये कांस्टेंट ले लिया और एक बार इसने ये कांस्टेंट ले लिया, इतना समझ आया, इतना सबको। तो अब आगे वाले हिस्से में इसने क्या किया, इसने अब डेल्टा एस वाला हिस्सा जब इसने कांस्टेंट कर दिया तो अब इसने क्या किया, ओवर अ टेम्परेचर रेंज लिया, यानी ये जो आपका डेल डेल्टा जी जो है, ठीक है, अपॉन डी टी, इसको ये क्या कर रहा है, इसको फिर से एक बार टेम्परेचर से ही क्या करेगा, ये जो इसका डी टी आएगा जो अभी हमने इक्वेशन छोड़ी थी डेल्टा एच वाली, ठीक है, इसको पूरे को क्या करेगा, फिर से टेम्परेचर के बिहाव पर डिफरेंशिएट करेगा, और जब टेम्परेचर के साथ में कुछ डिफरेंशिएट करेगा तो डी टी विथ रिस्पेक्ट टू टी, तब जाके आपका टी स्क्वायर हो जाएगा और फिर ये आपके नॉर्मल टर्म आ गया, ये डेल जी, ठीक है, अपॉन ये आ जाएगा इंटू टी, ये आ जाएगा अपॉन डी टी और फिर ये आपका आ जाएगा डेल्टा एच, यहाँ से घुमा के लेकर आया है ये, और तब ये आपका टर्म क्या आएगा, यहाँ पे माइनस टर्म आएगा, या तो यहाँ माइनस लिख लो नहीं तो यहाँ डेल्टा
एच वाले पे माइनस आएगा जब डबल डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है, तो ये हिस्सा जो है ये आपका डबल डिफरेंशिएशन का पार्ट है। अब आ जाते हैं कि अभी क्या कहता है कि सिमिलरली फ्री एनर्जी चेंज कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग रिलेशन, यानी डेल्टा जी जो मिसाइल्स का है, एम आई सी यानी मिसाइल्स है, ठीक है, इज इक्वल्स टू लेके क्या चल रहे थे हम 2.303 आर टी लॉग सी एन सी अपॉन सी। ठीक है, अब ये कहता है कि भाई अभी इसमें वो वाला हिस्सा इसने गायब कर दिया। देख लो पीछे हमारे पास इक्वेशन क्या थी, पीछे हमारे पास ये वाली इक्वेशन थी। ठीक है, अब इसने क्या किया, अभी इसने इस हिस्से को गायब कर दिया। इसने ये कहा कि भाई काउंटर आए तो बाद में देखेंगे, पहले नॉर्मल मिसाइल्स का देखते हैं। ठीक है, फिर इसमें क्या कहता है कि भाई ये जो फ्री एनर्जी है, अब इस फ्री एनर्जी में ये जो डेल्टा जी जो आप यहाँ पे ले रहे हो, ठीक है, उस डेल्टा जी के लिए क्या कह रहा है कि डेल्टा जी ऑफ मिसाइल्स कैन बी ब्रोकन इनटू कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द कॉम्पोनेंट पार्ट्स ऑफ द सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल। यानी अगर आपके पास कोई सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल इस तरीके का है जिसमें CH3, CH2 और W नाम का कोई काउंटर आयन है, तो आपके पास क्या हो जाएगा कि भाई डेल्टा जी यानी एक पर्टिकुलर ग्रुप CH3 के कारण, एक पर्टिकुलर ग्रुप आपके CH2 के कारण, ठीक है, और एक पर्टिकुलर ग्रुप आपके W के कारण। W आपका क्या था बच्चों, काउंटर आयन था। ठीक है, तो काउंटर आयन है तो चार्ज आ गया कौन सा वाला, नेगेटिव वाला। ठीक है, CH3 आपकी चेन की शुरुआत थी, जहाँ से चेन मतलब शुरू हो रही थी। ठीक है, ये आपका चेन का बीच का हिस्सा है, तो ये M जो है ये N टाइम्स जितना भी आपका CH2 ग्रुप होगा, ये M यहाँ भी आएगा, ये M टाइम्स जितना भी CH2 ग्रुप है वो आपका M इंटू डेल्टा जी इंटू आपका मिथिलीन ग्रुप है। यानी जैसे 1, 2 और 3, अब ये 2 टाइम्स आपके सपोज़ 2 टाइम्स 3 टाइम्स या N टाइम्स रिपीट होता है, तो 1 की डेल्टा जी, ठीक है, N टाइम्स 2 की डेल्टा जी, और क्योंकि 3 वाला काउंटर आयन हो गया है तो 3 का जो वैल्यू आएगी उसकी डेल्टा जी आएगी आपकी नेगेटिव। ठीक है, यहाँ तक। अभी क्या कहता है कि भाई अभी यहाँ तक मेरे पास आ गया, यानी मेरे पास W भी आ गया, ठीक है, मेरे पास इनिशियल भी आ गया, मेरे पास बीच का भी आ गया। नाउ व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन CNC एंड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एंड N इन हाइड्रोफोबिक चेन। अब ये N है तो आप चाहो तो यहाँ पे N कर लो, ठीक है, N कर लो, ये आपके ऊपर है, N कर लो, क्योंकि ये N से ही काम चल रहा है इसका। अब ये कहता है कि भाई लॉग CNC, पहले अपनी लॉग CNC एक बार देख लेते हैं कहाँ पर पहुँचाया था इसने हमको, यहाँ आ गए थे हम इस वाली इक्वेशन में। ठीक है, एक मिनट, पहले इसकी लॉग CNC निकालें फिर चलेंगे आगे। यहाँ तक ये इक्वेशन है, अगर मैं इसको ऐसे ले लूँ लॉग CNC अपॉन C, ठीक है, इज इक्वल्स टू यहाँ पे ये छोड़ दिया मैंने डेल्टा जी अपॉन क्या आ जाए बच्चों 2.303 आर जी। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट वाले पेज पे देखते हैं कितनी मैच कर रही है हमारी। अभी भी एक चीज़ बाकी है, तो उस एक चीज़ पे पीछे चलते हैं। अब दूसरे तरीके से इस इक्वेशन को फिर से लिखते हैं। ठीक है, क्या करूँ मैं ऐसे कर दूँ कि भाई लॉग CMC यहीं छोड़ दिया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने इधर आ गई सी डेल्टा जी, ठीक है, अपॉन 2.3, एक मिनट, इसको डायरेक्टली नहीं ले सकती क्योंकि ये आपका दोनों में लॉग है। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा बच्चों, ये जो लॉग CMC है, इस लॉग CMC को पहले खोलते हैं, लॉग CMC, ठीक है, माइनस का लॉग सी, ठीक है, इज इक्वल्स टू 2.3 डेल्टा जी अपॉन 2.303 आर टी। ये समझ आया क्यों किया, क्योंकि ये आपका लॉग जो है ये CMC पे भी लॉग है, ये कंसंट्रेशन पे भी लॉग है, तो मैं डायरेक्टली सी उठा के बाहर नहीं डाल सकती, मुझे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि डिवीजन में है तो लॉग CMC माइनस लॉग सी लिखूँगी पहले,
फिर मैं क्या लिखूंगी कि ये मेरा चल log c m c है, दिस इज इक्वल्स टू डेल्टा g अपॉन 2.303, ठीक है, r t, ठीक है, और प्लस का log c, ठीक है, हो गया यहाँ तक। अब ये वाली जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को अगर मैं ऐसे लिख दूँ कि ये भाई log c m c जो है, ठीक है, अब अपने यहाँ वाली इक्वेशन पे आते हैं जो इसके आगे वाली इक्वेशन है, log c m c इज इक्वल्स टू a माइनस बी एन। ए क्या था, ए आपका कौन सा वाला पार्ट था बच्चों, आपका सर्फेक्टेंट का इनिशियल पार्ट था, ठीक है, बी वाला जो पार्ट था वो कौन सा पार्ट था, वो इसका काउंटर आयन था। तो अगर मैं इसको अपनी इस इक्वेशन से कंपेयर करूँ तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये मेरे पास आपका ये जो है ये हो जाएगा ए, ठीक है, ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा बी, और इसको हम ऐसे ले लेते हैं, इसको ए कॉन्स्टेंट ये ले लो, ये आएगा आपका ए, ए तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है, और बी जो है बी एन, बी एन ये वाली स्टेट हो जाएगी जिसमें आपका सी जो है ये आपका वाटर या सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन है, ठीक है। अब मेरा साइन यहाँ पे प्लस आ रहा है, मुझे इतना देखना है कि ये माइनस का साइन कहाँ से लेगा इसका, इसका माइनस का साइन ए, नहीं आ रहा बेटा, इसमें तो प्लस का ही ले रहा है, हम कोई गलत नहीं कर रहे, ठीक कर रहे हैं, इसमें प्लस का ही ले रहा है, ये आपको इस इक्वेशन के बिहाफ पे बता रहा है कि ऐसी वाली इक्वेशन बन जाती ही अगर ये यहाँ पे माइनस का लॉग सी होता। तो अब आपका सी एम सी क्या है, ए, ठीक है, ए के बिहाफ पे हमने अभी क्या किया, हम पीछे से जो कर कर आ रहे हैं, ए के बिहाफ पे अभी हमने पीछे क्या करा, अभी हमने ये इक्वेशन करके आया ना लॉग सी एम सी, ठीक है, इज इक्वल्स टू ये डेल्टा जी अपॉन 2.303 आर टी, ठीक है, प्लस का लॉग ऑफ सी, यही कर रहे हैं, ठीक है। तो लॉग ऑफ सी तो ऐसे का ऐसे ही आ गया, प्लस लॉग ऑफ सी। अब जो डेल्टा जी है, ये डेल्टा जी आपका अपॉन 2.303 आर टी भी आ गया। अब ये आपके ब्रैकेट में क्या लिखा है, ब्रैकेट में लिखा है कि भाई इसके पास डब्ल्यू वाला जो काउंटर आयन था, ठीक है, था तो इसके साथ में, ठीक है, फिर क्या कह रहा है, कॉन्स्टेंट प्लस कॉन्स्टेंट प्लस कॉन्स्टेंट, यानी आपके पास जो भी वैल्यू आ रही है वो आपकी किस्म हो जाएगी कि ये और ये वाली, ठीक है, इनमें आपको मतलब इसको आपको नहीं कंसिडर करना, इसको सबको कॉन्स्टेंट मान लो इस ए के रिस्पेक्ट में, यानी ए को आपने मेन रखना है, ए को तो आपको मेन रखना है, ठीक है, यानी जिस W के लिए आप कैलकुलेट कर रहे हो उसको A को तो मेन रखना है, बाकी सारी उसकी जो एलिफेटिक चेन है उसको उसने क्या ले लिया, कॉन्स्टेंट मान के ले लिया, क्योंकि उसके वो इफेक्ट तो करेगी, फैक्टर्स अफेक्टिंग में आपकी जो एलिफेटिक चेन है या एरोमेटिक चेन है, एल्काइल चेन जो है वो इसको सल्यूशन होने में वहाँ पे उसका हिंडर करती है या फेवर करेगी। तो यहाँ पे बाकी सबको इसने क्या ले लिया, कॉन्स्टेंट मान के ले लिया, ठीक है। अब जो इसका बचा हुआ काउंटर आयन है यानी बी वाला हिस्सा है, तो बी वाले हिस्से में वो किसके लिए ले रहा है, बी वाला हिस्सा यानी जो इसका मतलब जो बीच का ग्रुप रह गया, सिर्फ क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोफिलिक ग्रुप ले रहा था डब्ल्यू को, ठीक है। अब बी वाला जो काउंटर आयन है उसके लिए किसका हिस्सा लेगा, बी आके जुड़ेगा किससे, देखो अब आपके पास ये था CH2, ठीक है, सपोज़ ये W सोडियम था, ठीक है, या आपके पास COONA था, ऐसे मान लेते हैं हम इसको, अच्छे से लिखती हूँ मैं, अच्छे से समझ आएगा, देखो अब ये क्या कहता है कि भाई यहाँ तक तो इसने बाकी पूरी चेन को कॉन्स्टेंट ले लिया, यानी आपका जो हिस्सा है जैसे सपोज़ CH3 है, ठीक है, CH2 है, COO-NA था, तो ये वाला हिस्सा जो गया बच्चों, ये तो हो गया आपका काउंटर आयन, ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है ये हो गया आपका W जिसके ऊपर नेगेटिव का चार्ज है, ये वाला जो हिस्सा है ये आपकी हो गई चेन की शुरुआत, और ये सपोज n नंबर ऑफ टाइम्स था तो ये आ गया आपका n डेल्टा g, ठीक है। तो अब ये क्या कहेगा,
ये कह रहा है कि भाई अब आगे जब इसको काउंटर आयन वाले हिस्से की बात करनी है तो काउंटर आयन हिस्सा कहाँ आके जुड़ेगा, काउंटर आयन वाला यहीं तो आके जुड़ेगा। W का तो तुमने कैलकुलेट कर लिया भाई, कह रहा है कि भाई काउंटर आयन वाले यानी W वाला जो हिस्सा है यानी जो आपका आयनिक पार्ट है, हाइड्रोफिलिक वाला जो पार्ट है, वो तो हमने यहाँ पे इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर लिया है ना। अब क्या कहता है कि अब भाई ये वाला जो बीच वाली चेन है, ये बीच वाली चेन जैसे ही आपने इस हिस्से में आके वहाँ पे काउंटर आयन जुड़ेगा, ठीक है, तो काउंटर आयन इसको तो कहीं ना कहीं खिसकाएगा। तो वो ये कहता है कि काउंटर आयन जुड़ के आएगा कहाँ पे, आएगा तो यहीं पे आएगा, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इस पूरे हिस्से को सराउंड करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो जब पूरे हिस्से को सराउंड करना स्टार्ट कर देगा तो इसमें ये वाली जो बीच की जो CH2 रिंग है, इसकी जो लंबाई है या इसकी जितनी क्वांटिटी है, वो आपके यहाँ पे बी वाले काउंटर आयन को या इसकी डेल्टा जी जो है उसको इफेक्ट करेगी। आई बच्चों बात समझ में? यस मैम, थोड़ी आई होगी ना। इसमें कहने का पर्पज़ ये है कि भाई आपका जो मेन जो दो चीज़ों जिन पे ये फोकस कर रहा है, वो फोकस जो दो तीन उस पर पॉइंट्स पे ये फोकस कर रहा है, पहला पॉइंट आता है आपका कि भाई ये जो W है ये क्या है, ये आपका हाइड्रोफिलिक ग्रुप है। हाइड्रोफिलिक यानी आपका ऐसा वाला ग्रुप है जो पानी की तरफ भागेगा, ठीक है, यानी बाहर की तरफ चल देगा। बाहर की तरफ क्यों चल देगा, ताकि बीच के हाइड्रोफोबिक ग्रुप हैं वो उसको बचा सके, ठीक है। दूसरा हिस्सा क्या कहता है कि जब हमने इक्वेशन बनाई तो इक्वेशन में ए प्लस का बी एन आएगा इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग ए प्लस का बी एन आएगा, और जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो ए और बी यहाँ पे ये निकाल रहा है। तो ए हिस्सा क्या है, ए हिस्सा यानी हमारे पास जो आ रहा है डेल्टा जी, ठीक है, ये आपका किसके कारण आएगा, ये आएगा आपका हाइड्रोफिलिक ग्रुप के कारण। उस हाइड्रोफिलिक ग्रुप को जब देखोगे तो ये पूरा का पूरा कॉन्स्टेंट हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है कि भाई जो बी वाला जो हिस्सा है, सर्फेक्टेंट का बी पोर्शन है, वो किसके कारण आ रहा है, क्योंकि अब आएगा बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बी रिप्रेजेंट कर रहा है आपके काउंटर आयन को। तो काउंटर आयन तो हमेशा क्या होगा, अगर पॉजिटिव रह गया है तो वो अपोजिटली चार्ज होगा, ठीक है, और अगर यहाँ पे नेगेटिव है तो वो पॉजिटिवली चार्ज होगा। तो जो भी अपोजिट वाला हिस्सा होगा उसकी थर्मो, उसकी एनर्जी ए वाले के जस्ट एंटी होगी, यानी आपका ए वाला जो हिस्सा है अगर वो पॉजिटिव है तो बी वाला हिस्सा आपका नेगेटिव होगा ही होगा। तो उस कंडीशन में क्या कहता है कि माइनस का डेल्टा जी किसके कारण, आपका बीच की जो रिंग है, बीच की जो एल्काइल चेन है, उसके कारण आपका काउंटर आयन वहाँ पे कितना क्वांटिटी आएगी। अब कहाँ से आएगी कि मिसाइल तो क्या कर रहे हैं, मिसाइल तो बाहर की तरफ जा रहा है और वो काउंटर आयन अंदर की तरफ जा रहा है। तो ये जो डेल्टा ये जो नेगेटिव साइन है ये आपके अपोजिट थर्मोडायनेमिक्स को रिप्रेजेंट करता है। आई समझ में बच्चों? जी मैम, सबको। तो अभी क्या कहता है कि भाई डेल्टा जी तो आपने यहाँ से निकाल लिया, ठीक है, अब आपने क्या किया, जब डेल्टा जी यहाँ से निकाल लिया तो भाई ये कह रहा है कि डेल्टा एच भी निकाल दो, फिर डेल्टा एच निकाल के ये कहेगा कि डेल्टा एस भी निकाल दो। तो यहाँ पे ये सारी इक्वेशन से जब ये निकालेगा तो ये कहता है कि डेल्टा एच कैन बी डिटरमाइंड कैलोरीमेट्रिकली। तो कैलोरीमेट्रिक, कैलोरीमीटर की है, 12th में एक एक्सपेरिमेंट होता था थर्मोडायनेमिक्स में कैलोरीमीटर का, जिसमें आप वो डालते हो ना मैग्नीशियम रिबन से उसको बर्न कर देते हैं। दिखाती हूँ आपको, अभी दिखाती हूँ कैलोरीमीटर का, वो दिखा देती हूँ, पहले समझ लो इसको। ये कहता है कि ये जो एंथैल्पी है, डेल्टा एच क्या होती है, एंथैल्पी। तो जब आप किसी सब्सटेंस को बर्न कर रहे हो तो जो इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर आप उसको बर्न कर रहे हो, ये इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है, इलेक्ट्रोड्स होते हैं, और इलेक्ट्रोड्स क्या करते हैं, मैग्नीशियम रिबन को फायर मतलब उसको
चलाते हैं। मैग्नीशियम रिबन यहाँ पे इग्निशन सोर्स का काम करता है, और वो वहाँ पे क्या करेगा, जब वो बर्न होगा तो उसकी जितनी एनर्जी निकलेगी वो एनर्जी क्या बन जाती है, उसकी कैलोरी मेट्रिकली हम उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, फिर ये कहता है कि जब इसमें आपकी इक्वेशन से अभी डेल्टा एच निकाली, अब डेल्टा जी पता पड़ गया, डेल्टा एच पता पड़ गया, तो क्या कहता है कि भाई डेल्टा एस यानी एंट्रोपी जो है वो भी निकाल लो, और एंट्रोपी की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई आती है। हाई क्यों आती है कि चेंज इन वाटर स्ट्रक्चर अराउंड द हाइड्रोकार्बन चेन। तो हमने क्या किया, जब हमने मिसल्स डाले तो मिसल्स का मैंने क्या बताया था कि भाई जैसे आप वो डाल रहे हो मिसल्स, तो उसमें मिसल्स का जैसे ही आप डालोगे तो वाटर के मॉलिक्यूल जो भी काउंटर या जो भी सॉल्वेंट है उसके मॉलिक्यूल काउंटर आयन की तरीके से काम करेंगे, तो इसका एक हिस्सा तो क्या करेगा आपके मिसल की तरफ आ जाएगा और दूसरा हिस्सा क्या करेगा मिसल से दूर चला जाएगा डिपेंडिंग ऑन द चार्ज, है ना। तो ये सेकेंडरी लेयर बनता है, फिर टर्शरी लेयर बनता है। तो इस कारण ये क्या कहता है कि जो आपका वाटर का जो स्ट्रक्चर है उसमें भी चेंजेस आते हैं, इसीलिए सिस्टम की जो एंट्रोपी है, जो डिसऑर्डर है, वो बहुत हाई वैल्यू आ जाती है। व्हेन द हाइड्रोकार्बन चेन्स आर रिमूव फ्रॉम द एक्वस मीडिया टू द इंटीरियर ऑफ मिसल हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी अब आपका जो सॉल्वेंट है वो क्या कर रहा है, लायोफोबिक इंटरेक्शन भी यहाँ पे देखी जा सकती है। सॉल्वेंट जरूरी नहीं कि आप हमेशा पानी लो, और अगर पानी भी ले रहे हो तो आपकी जो हाइड्रोकार्बन चेन्स हैं ये आपके क्या करेंगी, आपको इस मीडिया से, यानी पहले तो क्या हो रहा था जैसे आपने डाला सबका फ्लैट सरफेस था, अब हाइड्रोफोबिक वाला जो हिस्सा है वो क्या करेगा, वो जल्दी जल्दी अपने आप को एक ग्रुप में करने के लिए कोशिश करेगा और कुछ इस तरीके से अरेंज करेगा, यानी ये तो आपका चार्ज वाला हिस्सा आ गया या आपकी एलिफेटिक चेन आ गई। तो जब तक ये अरेंजमेंट होता चला जाएगा तब तक आपका स्ट्रक्चर ऑफ वाटर है वो हमेशा डिस्टर्ब रहेगा, और जितनी ज़्यादा डिस्टर्बेंस रहेगी उतनी ज़्यादा सिस्टम में एंट्रोपी बनी रहेगी। एंट्रोपी क्या है, आपका रेट ऑफ डिसऑर्डर ऑफ अ सिस्टम, यानी सिस्टम आपका जितना ज़्यादा चलायमान रहेगा, चलना ही नहीं लग जाएगा, मतलब जितना ज़्यादा उसमें मूवमेंट रहेगा सिस्टम में उतनी ज़्यादा एंट्रोपी होती चली जाएगी। ठीक है, अब आपका रह जाएगा सोल्युबलाइजेशन। मैंने कोई मिसाइल्स का ही स्ट्रक्चर ड्रॉ करा था, ये इस तरीके से ही आपका डर्ट पे और ये सोल्युबलाइजेशन वाला क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, तो अब आई सब